सवाल है कि कल के डेट में क्या पप्पू देव पर वारंट था कि नहीं, यदि कोई केस इंडोर्स नहीं था तो पुलिस विदाउट वारंट और बिना केस के क्यों आए। दूसरी बात, जब आप गिरफ्तार किए या आए तो क्या आपने कहीं लिख करके दिया कि नहीं, और किस केस में आपने गिरफ्तार किया? आप खुद बयान देते हैं कि मैं दबोचा या मैंने हम आए, तो आप सना पर आए होंगे या केस पर आए होंगे। तो मैं सिर्फ दो तीन बात कहना चाहूँगा इस पे कि यह एक बड़ा विषय है कि जो रक्षक हो और भक्षक बन जाए, ये कौन थे, क्या थे, यह आज विषय नहीं है। विषय है कि क्या इनके तरफ से कोई फायरिंग या किसी को गोली लगी या कोई इस तरह की घटना घटी जिसमें चार दिन पहले केस इंडोर्स हुआ, वारंट था और आप वारंट लेके इन्हें रेड करने आए थे, तो रात के 1 बजे है बिना किसी थाने में केस के और वारंट के आपकी मनसा साफ थी, आप कंप्लीट रूप से प्रायोजित मर्डर है, हम इसकी न्यायिक जांच सरकार से चाहते हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैंने जो परिवार से हम मिले या जो पोस्ट हम बिहार का देखे, कई बार हमने सुना कि दोनों व्यक्ति, चाहे वो पप्पू देव जी हो या उनकी मिसेज हो, वो MLC की चुनाव कोई बेगूसराय और मुंगेर से तो कोई RJD के साथ सुपौल से चुनाव लड़ना चाहती थी। तो कई दृष्टांत है, कई पहलू है और इसको सरकार को चाहिए कि इस पहलू को देखें, क्या इसमें कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, आपको इसके पीछे कौन ऐसी ताकत है जो इतने बड़े घटना को बहुत साजिश के तहत चुपचाप अंजाम दिला दिया। क्योंकि हम नहीं मानते कि छोटे लेवल बात है, बता रहे थे।